Hello students, today we are going to start first session of physics of plus one class. तो बेटा अब आपकी plus one class है, then you will study physics in the details. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो basics हैं. सबसे पहले हम basics चीज़ें ही कर रहे हैं. तो आपका first chapter है system of units. आपने अभी तक 10th में 9th में सारी lower classes में units करे हैं. यूनिट्स आपने सुने हैं बट आपको डिटेल्स में नहीं पता कि ये कौन सा सिस्टम है और किस सिस्टम को किस सिस्टम में चेंज कर सकते हैं. तो ये सारा आप प्लस वन से ही स्टार्ट करोगे ताकि आपको फर्दर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आए. तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्टली वी विल डू व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे नहीं है कि आपको पता नहीं है. आप शुरू से ही करते आ रहे हो. आप लेंथ करते हो, मास करते हो, स्पीड करते हो, टाइम करते हो, फोर्स करते हो, करंट करते हो, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. जितनी भी आप फिजिक्स में टर्म्स करते हो दैट ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज़. और हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि वो सारी क्वांटिटीज़ जिसको हम चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं उन सबको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं. तो फिजिक्स में जितने चैप्टर्स हैं जहाँ तक आपने फिजिक्स पढ़नी है आपने सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ तो पढ़नी पढ़नी है. हर चैप्टर का जो नाम है वो उसमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज ही तो करते हैं हम. बट फिजिकल क्वांटिटी मींस दैट कैन बी मेजर्ड, दैट क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. जैसे कि लेंथ है, आपको पता है आप मीटर में इसको मेज़र करते हो, सेंटीमीटर में करते हो, किलोमीटर में करते हो, फुट में करते हो. मास है, किलोग्राम में करते हो, ग्राम में करते हो, पाउंड में करते हो. ऐसे ही ये बाकी सारी टर्म्स को भी आप मेज़र करते हो. तो दीज ऑल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. नेक्स्ट इज मेज़रमेंट. तो मेज़रमेंट आपको पता है किसी चीज़ को मेज़र करना, तो वो तो आपका सिंपल मतलब हो गया कि मेज़रमेंट मीन्स हमें किसी चीज़ को मेज़र करना है, दैट इज़ कॉल्ड मेज़रमेंट. जैसे कि हम किसी टेबल की लेंथ को मापते हैं तो हम कहते हैं इस टेबल की लेंथ अब 1 meter है या 2 meter है. ठीक. तो अब बात ये आती है, ये तो हमने डिफाइन करा है, बात ये आती है कि वो मेज़रमेंट हम किस में करते हैं. आपको पता है अगर आप लेंथ टेबल की लेते हो, हम कहते हैं इसकी लेंथ ना 2 meter है या 1 meter है, तो वो मीटर क्या है. जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 meter लिखा है लेंथ को, तो मीटर क्या है, वो यूनिट है. तो यूनिट एक नहीं होता, डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट यूनिट्स होते हैं. तो इस यूनिट को आप एक स्टैंडर्ड बोलते हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया मेज़रमेंट का, उस स्टैंडर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट. कि हमने मीटर में मेज़र करनी है, हमने किलोमीटर में मेज़र करनी है, हमने सेंटीमीटर में मेज़र करनी है. तो यूनिट क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट. भी ये एक स्टैंडर्ड है, आपने इस स्टैंडर्ड में उसको मेज़रमेंट को कंप्लीट करना है. और एक बात और याद रखनी है, ऐसे नहीं है कि जैसे इस टेबल की लेंथ 2 meter है और आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, इट इज़ 200 centimeter, तो ये क्वांटिटी डिफरेंट होगी. ये क्वांटिटी सेम है, ये टर्म सेम है, ये मेज़रमेंट सेम है. सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप स्टैंडर्ड डिफरेंट ले रहे हो. वैल्यू वही है बट न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ डिफरेंट बिकॉज वी आर टेकिंग डिफरेंट यूनिट. तो यूनिट हो गया, मेज़रमेंट हो गई, यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट. उसके बाद कहते हैं किसी मेज़रमेंट को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. ये लिखा है फॉर द रिप्रेजेंटिंग अ मेज़रमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. मेज़रमेंट करनी किसकी होती है, फिजिकल क्वांटिटी की करनी होती है. जैसे यहाँ पे एल क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है. लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है. या लेंथ है या डिस्टेंस है, जो भी है एक फिजिकल क्वांटिटी है. तो एक मेज़रमेंट को पूरा करने के लिए एक तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो यूनिट चाहिए, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी चाहिए. जैसे कि यहाँ पर लेंथ 2 meter लिखी मैंने, तो 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर क्या है, वो यूनिट है. तो ये हमारी मेज़रमेंट को पूरा करने का एक वे है कि मेज़रमेंट क्वांटिटी की तब होएगी इफ़ वी हैव अ यूनिट एंड वी हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू. तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि मेज़रमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, इसी को ऐसे जनरलाइज फॉर्म में लिखा है. L क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, Q से लिख दिया. 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है. न्यूमेरिकल वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होती है, साइज ऑफ यूनिट से. तो Q मींस L और 2 मींस N और मीटर मींस यूनिट. सो Q इज इक्वल टू NU. यू हैव टू
Remember that physical quantity is represented by n into u. N is what? Numerical value. U is what? We are taking which standard of unit. हम कौन सा unit का standard ले रहे हैं, कौन सा unit ले रहे हैं, कौन सा system adopt कर रहे हैं. एक और example लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा clear होएगा. अगर हम मानते हैं कि हमारा school, हमारा घर से school का distance है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपके पास आ गया 2000 मीटर. तो 2 किलोमीटर आपका एक यूनिट है, मीटर आपका दूसरा यूनिट है. ये आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपकी दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू है. वैल्यू मेजरमेंट उतनी ही है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट. क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर दिया. अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस क्या था, फिजिकल क्वांटिटी था. डिस्टेंस बराबर है 2 किलोमीटर, वही 2000 मीटर है. अब डिस्टेंस क्या है, क्यू है. टू क्या है, एन वन है. जैसे हमने पहले अभी लिखा था क्यू इज इक्वल टू एन यू, तो हमने दो सिस्टम ले लिए. बस दो सिस्टम्स में ऐसे हम लिखेंगे, क्यू डिस्टेंस है, इसमें 2 किलोमीटर, 2 को एन वन ले लिया पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर को पहला यूनिट ले लिया, 2000 को दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, और मीटर को दूसरा यूनिट ले लिया. पर है ये सारी चीज़ क्या है, इक्वल है. सो वी कैन री राइट इज एज क्यू इज इक्वल टू एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू. इज इट इज़ क्लियर, है ना. तो मीन्स हम 2 किलोमीटर और 2000 मीटर को ऐसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं. 2 इज़ वन न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन यूनिट सिस्टम, 2000 इज सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड यूनिट सिस्टम. सो वी आर रिप्रेजेंटिंग इज इन दिस वे. सो क्यू इज इक्वल टू एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू. ये एक क्योंकि बराबर है तो मैं कॉन्स्टेंट लिख सकती हूँ. तो एन वन यू वन की जगह पे मैंने एन यू लिख दिया, कॉन्स्टेंट लिख दिया. तो एन यू बी कॉन्स्टेंट आ गया, तो एन क्या आ गया, यू को इधर ले गए, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू. मीन्स अगर आप एक u ज़्यादा लोगे तो n की वैल्यू क्या होएगी, कम होएगी. अगर u कम होएगा तो n की वैल्यू क्या होएगी, ज़्यादा होएगी. तो यहाँ पे आपको बताया है कि अगर यूनिट बिगर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर होएगी, अगर यूनिट स्मॉलर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बिगर होएगी. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, मीटर एक छोटा यूनिट है किलोमीटर के कंपेयर में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2000 होगी, बिगर होगी, बिकॉज एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू. आगे चलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट. यूनिट कैसा होना चाहिए, कौन सा यूनिट लेते हो. आपको याद है आप फोर्स का न्यूटन यूनिट लेते हो, वर्क का जूल्स लेते हो, लेंथ का मीटर भी लेते हो, सेंटीमीटर भी लेते हो. तो इन बेसिस पे आप यूनिट को सिलेक्ट करते हो. करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, फर्स्ट है कि यूनिट का साइज सुटेबल होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए. इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, भाई हर जगह वो एक्सेप्टेड होना चाहिए. ऐसे नहीं है हमने यहाँ पे मेज़रमेंट की तो दूसरी जगह हम वो वैल्यूज डेटा भेज रहे हैं, वहाँ पे वो यूनिट को जानते ही नहीं है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, ईजिली असेसेबल, हम उसको जानते हों ईजिली, और उसमें ही ज़्यादातर मेज़रमेंट्स होती हों. जैसे ज़्यादातर मार्केट में लेंथ की मेज़रमेंट मीटर में होती है, मास की मेज़रमेंट ग्राम या किलोग्राम में होती है. तो ईजिली असेसिबल का मतलब जो ईजिली असेस्ड मीन्स अप्रोचेबल हो. तो शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, ऐसे नहीं है कि टाइम के साथ साथ चेंज होता जाए, वो ऑलमोस्ट वो वही रहे. Should be well defined. It should be well defined. सब जानते हों उसको. आगे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी हो गई, क्लियर होगी हमें कि फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. अब आगे है कि फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स कितनी हैं. फर्स्ट है फंडामेंटल, सेकेंड है डेराइव्ड. इनको भी आप बड़े अच्छे से जानते हो, वो बात अलग है कि आपको ये ऐसे जो नोटेशन देंगे हम कर रहे हैं वो शायद ऐसे आप नहीं जानते होंगे. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, जो सबसे छोटी हैं, जिनको हम आगे तोड़ ही नहीं सकते, जो सबसे छोटी हैं, जिनसे जिनको मिला के दूसरी बनेंगी पर वो किसी से नहीं बनी.
उनको बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स बेसिक, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है। लेंथ को हम नहीं तोड़ सकते, लेंथ को तोड़ के कौन सी क्वांटिटी बनाएंगे, नहीं। टाइम हमारा बेसिक है, मास हमारा बेसिक है, टेम्परेचर हमारा बेसिक है, इनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, विच आर इंडिपेंडेंट, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज, इट कैन नॉट बी रिजॉल्व, मतलब तोड़ नहीं सकते। डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं, जो फंडामेंटल्स की टर्म में एक्सप्रेस्ड होती हैं, जैसे कि जितनी आपने पढ़ी हैं बुक्स में, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, उनको हम उनका जब फॉर्मूला निकालते हैं ना, तो उनका फॉर्मूले में ये सारी आती हैं, इनसे ही मिलके वो बनती हैं। डेराइव्ड मतलब जिनको हम डेराइव फंडामेंटल से करेंगे, जो फंडामेंटल से निकलेंगी वो डेराइव्ड ही। डेराइव्ड मतलब जिसको निकाला गया है, निकाला कहाँ से गया है, फंडामेंटल से निकाला गया है। जैसे कि स्पीड है, स्पीड एक बहुत ईजी सी ले रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, जैसे कि स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो ये डिस्टेंस भी क्या है, हमारी फंडामेंटल है, टाइम भी हमारी फंडामेंटल है, तो डेराइव्ड को किससे निकालना, फंडामेंटल से। सो दिस वॉज आर बेसिक टर्म्स, आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।